वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स फॉर के पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, आपकी डिमांडेड क्लासेस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे फ़ोन से देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे लगातार कि सर हम किस तरीके से देखें कि हमारा फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है या फिर हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, होना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका फॉर्म सक्सेस हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन का निशान दिया उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वैकेंसी या आरपीएफ से रिलेटेड जो भी क्लासेस होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए सबसे पहले आपको RRB अप्लाई GOV.in सर्च कर लेना है। आपको किसी भी गूगल या क्राउन वीज ओपन कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्लो साइट चलती है तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जी जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट लगेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये रेड कलर में दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ कॉलम बना के दिखाया है आपको, ठीक है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा साइनिंग इनटू योर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे उसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर फाइनली आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपके पास फॉरगेट पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको नया पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि इन सभी को मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल करने के बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे हम इसको फिल करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन कॉलम दे रखे होंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो आपको फाइनली कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कहेगा लिंक योर अकाउंट विद डीजी लॉकर। जी हाँ दोस्तों, अगर चाहें तो आप इसे डीजी लॉकर से भी लिंक कर सकते हैं और बराबर में आपको माई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको सक्सेस दिखा रहा है। तो अब इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या फिर कैंसिल हो चुका है।